वेलकम बैक टू द चैनल सिंपल डेकोर बाय जयति। और आज की जो वीडियो है उन फर्नीचर को डेडिकेट करते हुए हैं जो कभी बहुत सुंदर हुआ करते थे और आपकी दिल की भी बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर उसको जब हम यूज़ करते हैं उनकी शीन ख़राब हो जाती है, उनकी लुक ख़राब हो जाती है, या कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं उन फर्नीचर से। फिर सोचते कि उसे हम डिस्कार्ड कर दें या कहीं ऐसे जगह पे रख दे कि किसी की नज़र ही ना पड़े। सो इन फर्नीचर को किस तरीके से आप नया बना सकते हैं, आज की एपिसोड कुछ इसी को लेके ही है। फर्नीचर को जब हम नया रूप देने के लिए सोचते हैं, उनकी काया पलट के लिए सोचते हैं, तो पेंटिंग इज़ अ वेरी कॉमन मेथड और इसी को लेके कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं। बट मेरी इस वीडियो में नया क्या है, एक्चुअली जब मैंने पहली बार शुरू किया था कि फर्नीचर को पेंट करें तो कई सारे दिक्कतें मेरे सामने आई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे और फाइनली आउटकम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद कई सारे बार मैं उनको प्रैक्टिस किया, फिर देखा कि अच्छा ये इस तरीके से होता है। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप पहली बार कलर करने जाते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज की वीडियो में मैं बहुत माइन्यूटली किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उनको लेके भी बताऊंगी। और बहुत माइन्यूटली मैंने कवर किया है कि किस तरीके से कलर किया जाता है, तो आई होप कि आपको बहुत ही हेल्प होगी इस वीडियो से। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों स्टूल ले लिया है ब्लैक कलर की, जिनके कलर्स ख़राब हो चुके थे, ये बहुत पुराने हैं। और इनकी जो सरफेस है इनको मैं पहले प्लेन कर लूँगी एक सैंड पेपर से। इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लीजिए इस तरीके से, जैसे कि इसका जो सरफेस है वो अनइवननेस इनमें ना रहे। फिर एक कपड़े को मैंने गीला कर लिया है, गीला करके फिर उसको मैं अच्छी तरीके से वाइप कर लूँगी ताकि ये जो मैंने घिसा था उनका कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ना रहे, नहीं तो कलर आपके अनइवन हो जाएंगे। इसको मैं चॉक पेंट करूँगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चॉक पेंट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है तो बहुत ही इजी होता है आपके लिए। और मैंने थोड़ा सा मेटेलिक पेंट लिया है जो कि ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली है, थोड़ा सा मैंने एक शेड क्रिएट करने के लिए ये लिया है। और मैंने लिया है ऐसे वॉक्स, क्लियर वॉक्स है ये, और ये एक वॉक्स की ब्रश भी आपको चाहिए। ये सारे जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है। अगर आपके पास इट्सी बिट्सी का शॉप नहीं है उधर, तो आप ये अमेज़न से भी इजीली परचेस कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल अमेज़न में अवेलेबल है। दो टाइप के ब्रश लिए हैं मैंने, एक रोलर ब्रश भी लिया है, एक नॉर्मल ब्रश भी लिया है। चॉक पेंट वाटर बेस्ड पेंट है इसीलिए बहुत सूख जाता है बहुत जल्दी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप यूज़ कीजिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे निकाल लिया है और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है। चॉक पेंट डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, और ये वाटर का जो मिक्सचर है वाटर वर्सेस चॉक पेंट वो 4:1 है। इसको इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से मिला लीजिए पानी के साथ, और ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होंगी। फिर आप पेंट करना शुरू कर दिए। मुझे इस टूल में बिल्कुल टेक्सचर नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन में अपना ब्रश चला रही हूँ। ये मैं फर्स्ट कोट कर रही हूँ, और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में आप कलर लीजिए। याद रखिए लेस इज मोर, ज़्यादा कलर आप एक साथ ले लेंगे तो वहाँ पे ब्रश की स्ट्रोक्स जो है वो दिखेंगे और कलर ड्रिप भी कर सकता है नीचे की ओर, उससे आपकी जो फ्लोर है या ये फर्नीचर में भी ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा स्टेन हो सकता है। इसीलिए बहुत कम अमाउंट में ये आप लीजिए कलर। नॉर्मल वॉल पेंट से भी फर्नीचर आप कलर कर सकते हैं, लेकिन वो हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आप बिगिनर है तो, क्योंकि वहाँ पे टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करना पड़ता है और सूखने में भी टाइम लगता है। अगर फ्लोर में गिरता है तो पूरा कलर हो जाता है, फिर उसको आपको टर्पेंटाइन ऑयल से बहुत मेहनत से उसको साफ करना होता है। तो देखिए मेरा पहला कोट तो हो गया है, और दूसरी टेबल में मैंने ना रोलर ब्रश यूज़ किया है, सेम कलर यूज़ किया है बट रोलर ब्रश से यूज़ किया है। मैं दो मेथड एक साथ यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। अगर आपकी फर्नीचर की सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रोलर ब्रश ऑब्वियसली कॉन्वीनियंट होता है। तो देखिए ये सिंगल कोट करने के बाद ये अभी तक पूरा सूखा नहीं, तो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। इसके बाद मैं करूँगी सेकेंड कोट पूरी तरह सूखने के बाद।
ये भी सेम ही तरीके से करेंगे, बहुत कम पेंट लेंगे हम ब्रश में और सिंगल्स एक डायरेक्शन में उनको करने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे कर रही हूँ मैं एकदम से, और देखिए एक इसका जो पर्टिकुलर जो कलर है वो धीरे धीरे आ रहा है। सेकेंड स्टूल में मैं वही कलर रोलर ब्रश से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये भी फर्स्ट कोट सूख जाने के बाद ये कर रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी हो रहा है और इसका लुक भी सेम ही आ रहा है उसके तरह ही, बट बहुत जल्दी हो रहा है। तो अगर आपकी सरफेस एरिया बड़ा है तो आप ज़रूर ये मेथड यूज़ कीजिए। कलर्स करते वक्त छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं वो कहीं खाली नहीं रह जाए, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। तो देखिए सेकेंड कोट के बाद ये दोनों देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं है बट लुक काफ़ी अच्छा आया है। तो इस बार मैं जो करूँगी एक हाइलाइटर दूँगी, तो ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा शेड देने से ये अच्छा लगेगा। तो मैं इस तरीके से एक ब्रश की मदद से थोड़ी सी मेटेलिक कलर जो है सिल्वर उसका एक टिंच लगा रही हूँ, सेम तरीके से उस जो प्रॉपर जो कलर था ब्राउन उसके साथ थोड़ा सा मिला के मैं ये कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा एक सिल्वरिश जो शीन होता है वो आ रहा है। रोलर ब्रश की मदद से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेटेलिक कलर लिया है, ये बहुत ही लाइट है इसीलिए शायद कैमरा में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक शीन सिल्वर शीन यहाँ पे आ रहा है और ये मैंने रोलर ब्रश से ही किया है। सो डबल कोट होने के बाद दोनों का लुक कुछ ऐसा है, अभी भी ये सूखने को थोड़ा सा बाकी है। तो अभी मैं वॉक्स करूँगी एक में और दूसरे में करूँगी वर्निश, आप देख सकते हैं इससे लुक का कितना डिफरेंस हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से वॉक्स लगा रही हूँ फुल टेबल की सरफेस में, और ये वॉक्स बहुत ही थिक होता है तो आपको ऐसे वॉक्स ब्रश की मदद से ही लगाना है, इस तरीके से फुल कवर करना है। फिर उसके बाद एक रैग लेके आपको अच्छी तरह से उसको वाइप करना है। जब आप वाइप करते जाएंगे तो एक बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आएंगे जो पहले नहीं दिख रहा था, तो अभी ये वॉक्स करने के बाद ही ये पर्टिकुलर टेक्सचर आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एलिगेंट लगता है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टेबल में मैं करने वाली हूँ वर्निश, वॉक्स नहीं करूँगी, जस्ट दिखाने के लिए कि कुछ अलग सा ही टेक्सचर आने वाला है अगर आप वर्निश यूज़ करेंगे तो। सो वर्निश मैंने यहाँ पे दो कोट किया है, नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पे पोर कर लीजिए और ऐसे ब्रश की मदद से उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, और मैंने यहाँ पे दो कोट यूज़ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एक में आप जैसे देख सकते हैं टेक्सचर आया है बहुत खूबसूरत वुडन टेक्सचर, अगर आप वर्निश से करते हैं वो इजी तो होता है लेकिन आपके पास वो टेक्सचर नहीं आएंगे, बट एक स्मूथ एंड ग्लॉसी जो लुक होता है वो आ जाएगा। ये जो लुक देख रहे हैं ये वॉक्स पॉलिश का है, तो जो मैंने बोला था एक बहुत सुंदर टेक्सचर आ रहा है आप देख सकते हैं।
एंड द नेक्स्ट लुक इज़ जो मैंने ग्लॉस यूज़ किया था, दैट मीन्स अ वार्निश यूज़ किया था, उसको लगाने के बाद इसमें देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, कोई टेक्सचर नहीं आ रहा है, बट ये भी अच्छा ही लग रहा है देखने में। बट इसमें टेक्सचर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वार्निश यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक ग्लॉसी स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है और हम में से बहुत लोगों के पास है, एक कर्व्ड वुडन टेबल है और यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रेस पेंट करने वाली हूँ। और इस तरीके के अगर कर्व्ड वुडन कुछ भी है इनमें से डिस्ट्रेस पेंट इनमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ में मैंने कोई सैंडिंग नहीं किया है, सिर्फ अच्छी तरीके से इसको साफ कर लिया है एंड वाइप कर लिया है ताकि कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रहे। यहाँ पे मैं येलो, ब्राउन और एक सिल्वर कलर की यूज़ करने वाली हूँ। डिस्ट्रेस पेंट के लिए आपको 2 से 3 तरीके का पेंट चाहिए कलर की, उसी में ही डिस्ट्रेस पेंट अच्छा होता है। मैंने पहले ये येलो कलर लिया है और ये काफ़ी लिक्विडी है ये पेंट, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो आप जब ऐसे ख़रीदेंगे इसका क्वालिटी ज़रूर चेक करके लीजिए। और ये मैंने यहाँ पे कोई भी पानी भी नहीं मिलाया है, वैसे डिस्ट्रेस पेंटिंग में पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट कोट मैं येलो कलर से कर रही हूँ। सो एक लाइट कोट मैंने दे दिया, मैंने बोला है कि फर्स्ट कोट ऑलवेज बहुत ही कम लीजिए कलर और एक लाइट कोट कर दीजिए। इसके बीच का जो पोर्शन है, जो ग्रूव्स है आप देख रहे हैं, ग्रूव्स को भी मैं अच्छी तरीके से कलर से कवर कर रही हूँ। और इस तरीके से मेरा जो पहला कोट है वो कंप्लीट हो गया है। ये नीचे का पोर्शन है, इसका भी मैं कलर कर रही हूँ, तो देखिए लुक कुछ ऐसा आया है। अभी मैं सेकंड कोट करने वाली हूँ, ये हो गया, सूख गया है, तो डायरेक्टली मैं बॉटल से ले रही हूँ। और इस बार जो आपको करना है, आपको थोड़ी सी पेंट लेनी है और ब्रश को डिफरेंट डायरेक्शन में आपको चलाना है, उससे ही डिस्ट्रेस जो पेंट होता है बहुत अच्छा होता है। आप देखिए मैं जहाँ सहाँ से ये ब्रश को मैं जस्ट ग्लाइड कर रही हूँ, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रही हूँ, और यही आपको करना है। सो सेकेंड कोट होने के बाद ये जो रैग है इसको लिया है मैंने, एक साफ़ रैग लिया है और उसमें उसको पानी में थोड़ा सा सोक करके अच्छी तरीके से उसको स्क्वीज़ करके फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से डैबिंग मोशन में कर रही हूँ। देखिए डैब कर रही हूँ तो इसमें एक बहुत सुंदर सा टेक्सचर आ रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। हल्के हाथों से आपको करना है, बहुत ज़्यादा वाइप नहीं कीजिए, और जहाँ जहाँ पे ऐसे ग्रूविंग है वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको वाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद और एक बार एक मैं ब्रश चला रही हूँ सेम डिफरेंट डायरेक्शन में, और फिर से और एक बार रैक से इस तरीके से मैं थोड़ा सा डैप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो अभी लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं सेकंड कलर की जो है, जो ब्राउन मैंने लिया है, उसका एक ऐसे ही ब्रश को, उसको भी पानी नहीं मिलाऊंगी इस कलर में, और ब्रश को जस्ट डिप करके इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रोक में करती जाऊंगी, जैसे मैंने येलो कलर को किया था वैसे ही करते जाऊंगी। उसके बाद फिर से वो वेट रैक को लेके मैं डैप कर रही हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं।
आपको जो प्रीडोमिनेंट कलर चाहिए वो कलर आप लास्ट में कीजिए। मुझे येलो ही प्रीडोमिनेंट कलर चाहिए इस डिस्ट्रेस लुक में, तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में कर रही हूँ। और सेम वही थिंग डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रश को चलाते हुए करके उसके बाद मैंने वेट रैग से डैप किया है। अभी मैं ये जो देख रहे हैं एक मेटेलिक जो फिनिश का जो एक कलर है उससे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने एक स्मॉल सा ब्रश लिया है, स्मॉल जो पेंट ब्रश होता है वो ही लिया है, और उसको इस तरीके से जहाँ पे ग्रूव है वहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा हाइलाइटिंग करूँगी। ये एक सिल्वरिश एक कलर यहाँ पे लाएगा, तो देख सकते हैं इसको करने के बाद कुछ ऐसा हुआ है। अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर भी मैंने छोटी सी एक ब्रश में लिया है और साइड साइड में इसका जो भी मुझे डिटेलिंग चाहिए था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं वर्निश करूँगी, यहाँ पे मैं वॉक्स नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहीं सारे टेक्सचर दिया है तो अभी उसके लिए वॉक्स चाहिए नहीं मुझे। मैंने जस्ट यहाँ पे वर्निश यूज़ किया है एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़। ऐसे छोटा वाला स्टूल है जो मेरी बालकनी में रहता है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ख़राब हो गया है, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से सैंडिंग कर लिया है और उसके बाद वाइप कर लूँगी गीले कपड़े से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना जो यूज़ किया है वो है एप्कोलाइट का ये जो स्प्रे पेंट होता है वो। मुझे लगा था चलिए बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं मैं भी देख लेती हूँ क्या होता है, तो ये एक बॉटल मैंने ख़रीदा था और अब देखिए मैं कर रही हूँ, बट द आउटकम वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में कुछ इस तरीके हो रहा है, इसका कवरेज बहुत ही कम है। अगर आपको उतना छोटा एक स्टूल करना है तो एटलीस्ट 3 बॉटल तो आपको चाहिए ही है। तो फिर मैंने एक रोलर ब्रश से इसको थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश किया है, तो देख सकते हैं तो वो हो जाने के बाद जो कलर जो टेक्सचर आया था एंड उसका एक बहुत शाइनी एक इफ़ेक्ट है, बहुत ही शाइन कर रहा था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ एक दूसरा टेक्सचर कर दूं इस पे ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फिर मैंने चॉक पेंट लिया है और इसमें 50% वाटर मैंने मिक्स किया है, 50% चॉक पेंट 50% वाटर, और उसको अच्छी तरह से इस तरीके एक फ्लूइड टाइप का एक मैंने कर लिया है मिक्सचर, और उसको सेम सिंगल तरीके से सिंगल साइडेडली मैं इस तरीके से पेंट कर रही हूँ ताकि नीचे का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा दिखे बट उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का भी एक टेक्सचर आ जाए। और इसको सिंगल साइडेडली मैं कर रही हूँ, डिफरेंट स्ट्रोक में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा वाला टेक्सचर ही चाहिए। तो देख सकते हैं बहुत कम पेंट लेके इस तरीके से मैं थोड़ा सा करके फिर मैं वाइप कर रही हूँ गीले कपड़े से, पूरा गीला कपड़े से लेके इस तरीके से वाइप कर लीजिए तो टेक्सचर कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद मैं फिर से एक पेंट करूँगी इस तरीके से, ऐसे करेंगे ताकि नीचे का जो कलर है वो अच्छी तरह से दिखे। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा है। तो इसके ऊपर मैं एक फ्री हैंड पेंटिंग करूँगी, अगर आपके पास स्टेंसिल है तो आप स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं फ्री हैंड ही कर रही हूँ, छोटी छोटी मोटिव बना रही हूँ एक्रेलिक पेंट से, येलो कलर से एक ऐसे मोटिव बना रही हूँ, तो इससे एक थोड़ा सा क्विर्की जो होता है वैसे इफ़ेक्ट आएंगे। तो देखिए आप मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो ये लुक कुछ ऐसा आया है। अब इसके ऊपर मैं वर्क्स करूँगी,
वक्सिंग का जो मेथड है वो पहले जैसे ही है, सेम तरीके से मैं ब्रश की मदद से इसको ले रही हूँ, सारे सरफेस में ऐसे फैला रही हूँ। फिर उसके बाद एक रैक के मदद से अच्छी तरह से मैं इसको वाइप कर दूँगी, जैसे कि मैंने पहले प्रोजेक्ट्स में किया है। और ऐसे वैक्स करने के बाद एक बहुत ही सॉफ्ट जो लुक होता है, टेक्सचर्ड सॉफ्ट जो लुक होता है वो आता है। ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। सो इसको स्टाइलिंग करने के बाद आप बोलिए कैसा लग रहा है। सो अगर अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये होल मेथड्स, चार मेथड्स आपसे शेयर किया है मैंने। तो फिर लौटूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।